हे गाइस, मेरा नाम है अनुभा। आप देख रहे हैं बायोलॉजी एड और आज मैं आपको बताने वाली हूँ किंगडम मोनेरा के बारे में। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन सब के बारे में तो इस वीडियो को देखते रहिए। ओके, तो हम सब जानते हैं कि मोनेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सबसे पहला किंगडम है। इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे बैक्टीरिया कहलाते हैं, और इनके कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो ये होते हैं यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल्ड, प्रोकैरियोटिक यानी कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और साथ ही में ये माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। मोनेरा अपना न्यूट्रिशन दो तरह से डिराइव करते हैं। कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं यानी अपना फूड खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, और कुछ हीटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं यानी कि एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करेंगे। अब देखिए, अगर मोनेरा किंगडम को हम क्लासिफाई करें तो इसमें दो तरह के बैक्टीरिया आते हैं, एक आर्किबैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम आर्किबैक्टीरिया के बारे में पता करते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो देखिए, आर्किबैक्टीरिया को हम एंशियंट बैक्टीरिया भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही प्रिमिटिव होता है यानी कि बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है, और इसीलिए हम इन्हें एंशियंट बैक्टीरिया बोलते हैं। इन आर्किबैक्टीरिया की खास बात ये होती है कि काफ़ी हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं जिनमें हमारा और आपका रहना पॉसिबल नहीं है, और ये हार्श या एक्सट्रीम कंडीशंस हैं जैसे कि बहुत ही हाई टेम्परेचर, बहुत ही लो पीएच और हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर एग्जांपल लेके बात करें तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेथनोजेंस की। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन सी हार्श कंडीशंस में रहते हैं। देखिए, ये रहते हैं एन एरोबिक कंडीशंस में यानी बिना ऑक्सीजन के, जैसे कि मार्शी एरियाज यानी दलदली इलाकों में, काओ एंड बफेलोस की गट यानी स्टमक में। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इनको मेथनोजन बोलते क्यों हैं। तो देखिए, वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी होती है मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने की, और यही रीजन है कि मेथनोजेंस को ह्यूमंस कमर्शियली भी यूज करते हैं मीथेन गैस बनाने के लिए, जैसे कि गोबर गैस प्लांट्स में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हेलोफाइल्स की। ये कौन सी हार्श कंडीशंस में रहते हैं? ये रहते हैं एक्सट्रीमली सेलाइन यानी कि बहुत ही सॉल्टी इन्वायरमेंट्स में। एक और तरीके के आर्किबैक्टीरिया हैं जिन्हें हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। इनका नाम ही बता रहा है कि थर्मो मतलब हीट और एसिडो यानी कि हाई टेम्परेचर और हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स। ये तो बात हो गई आर्किबैक्टीरिया की। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और ये जो होते हैं वो आर्किबैक्टीरिया से ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं। इनकी खास बात ये है कि इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन नाम के सब्सटेंस से बनी होती है। कुछ यू बैक्टीरिया मोटाइल भी होते हैं यानी कि ये मूव कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनकी जो खुद से अपना फूड बना सकते हैं एकदम प्लांट्स की तरह, और आपने उन्हें बहुत बार देखा भी होगा लेकिन शायद आप उनका नाम नहीं जानते होंगे, और वो होते हैं साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो देखिए, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ये ग्रीन कलर की लेयर बना लेते हैं जिन्हें हम एल्गल ब्लूम्स भी बोलते हैं। शायद आपने देखा होगा पॉन्ड्स में इस तरीके की ग्रीन लेयर को। साइनोबैक्टीरिया की एक बहुत खास बात और होती है कि कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनमें हीट्रोसिस्ट नाम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में नॉस्टॉक नाम के एक ब्लू ग्रीन एल्गी को, और उसमें आप हीट्रोसिस सेल को भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे।
अब हम बात कर लेते हैं एक दूसरे तरह के यूबैक्टीरिया की, जो है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ये यूज करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्राइड्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया, और उनसे अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। इनके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूबैक्टीरिया है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और वो होता है माइकोप्लाज्मा या PPLO। अब इनकी खास बात ये है कि माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट सेल वॉल, और ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स पे पैथोजेनिक होके। पैथोजेन होने का मतलब है डिजीज कॉज करना। माइकोप्लाज्मा की स्पीशीज ह्यूमन में भी बहुत टाइप के डिजीजेस कॉज करती हैं। अब देखिए, आप अगर कभी बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको अलग अलग शेप्स के मिल सकते हैं, जैसे कि स्फेरिकल या गोल, इन्हें हम बोलेंगे कॉकस। उसके अलावा कुछ रॉड शेप के भी हो सकते हैं, तो उनको हम बोलेंगे बैसिलस। कुछ स्पाइरल शेप के हो सकते हैं, जिन्हें हम बोलेंगे स्पाइरलम, और कुछ कॉमा शेप के भी होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं विब्रियो। अब बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो देखिए, ये दो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं जिन्हें हमने अलग अलग क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल एनवेलप। तो चलिए, इसे अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिस्टन ग्राम। इन्होंने एक स्टेन डेवलप किया जिसको नाम दिया क्रिस्टल वायलेट, क्योंकि ये स्टेन वायलेट कलर का था। अब इन्होंने लिया कुछ बैक्टीरिया को और उन्हें इस स्टेन में डाल दिया। कुछ देर बाद वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ बैक्टीरिया थे जिन्होंने इस स्टेन को ले लिया और वो पर्पल कलर के दिखने लगे। तो उन बैक्टीरिया को बोला गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया थे जिन्होंने इस स्टेन को नहीं लिया और वो कलरलेस ही रह गए, ऐसे बैक्टीरिया को बोला गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एंड दैट इज इट गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। टिल देन, स्टे क्यूरियस।